साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। एनसीबी की चार्जशीट दाखिल होने के बाद बॉलीवुड वाले खुशी मना रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि उनका किसी का भी नाम चार्जशीट में शामिल नहीं है, इसका मतलब वो सब दूध के धुले साबित हो गए हैं। तो ये बॉलीवुड वालों की सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि एनसीबी इस केस में किसी भी ऐसे शख्स को नहीं छोड़ेगी जो कि ड्रग से संबंधित किसी भी छोटे या बड़े मामले का आरोपी है। अब सामने आया है कि एनसीबी ने जिन जिन से पूछताछ की थी वो सब अब एक बार फिर से रडार पर हैं, और एनसीबी अगले कुछ दिनों में एक और चार्जशीट कोर्ट में दायर करवाने जा रही है, जिसमें अब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर गाज गिरती हुई नजर आ रही है। सामने आया है कि एनसीबी ने एक और चार्जशीट तैयार कर रखी है और उसमें तकरीबन 15 बड़े नाम हैं जिनके खिलाफ चार्ज तैयार किए जा चुके हैं, और बहुत जल्द कोर्ट में उस चार्जशीट को दाखिल करवाया जाएगा। तो अब अगली चार्जशीट में किन किन सेलिब्रिटीज का खुलेगा कच्चा चिट्ठा, आपको सब बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई स्थित दफ्तर में हलचल बिल्कुल भी कम नहीं हुई है, बल्कि पहली चार्जशीट दाखिल करवाने के बाद इस दफ्तर में हलचल और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि एक और चार्जशीट दायर करवाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और वो भी बहुत जल्द। अब की बार चार्जशीट में ड्रग पैडलर या सप्लायर नहीं बल्कि बॉलीवुड के कई बड़े बड़े नाम शामिल होंगे। अब मीडिया में एक ऐसी ही लिस्ट सामने आई है जिसमें 15 बड़े नाम हैं जो कि एनसीबी की अगली चार्जशीट में निशाने पर हैं। हालांकि पहली चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती को छोड़ दे तो बॉलीवुड का कोई भी बड़ा नाम शामिल नहीं था। अब रिया चक्रवर्ती भी बॉलीवुड की तरफ से नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत केस की आरोपी है, मतलब जो चार्जशीट अभी एनसीबी ने दर्ज करवाई है वो केस 16/20 की है, जो कि सुशांत की मौत से जुड़ा हुआ केस है। वहीं अब जिस केस की दूसरी चार्जशीट दाखिल होगी वो केस 15/20 है। 15/20 केस 16/20 केस का पैरेलल केस है। यहां आपको बता दें एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान समेत जिन जिन सेलिब्रिटी से पूछताछ की थी वो सभी 15/20 केस के आरोपी हैं। तो अब खबर ये है कि एनसीबी 15/20 केस की चार्जशीट भी तैयार कर चुकी है और इसमें कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम शामिल हैं। तो दीपिका पादुकोण की मैनेजर रह चुकी करिश्मा प्रकाश का नाम भी इस लिस्ट में है। वहीं अर्जुन रामपाल की बहन कोमल रामपाल का नाम भी अगली चार्जशीट में बताया जा रहा है। इसके अलावा सपना पब्बी का नाम भी अगली चार्जशीट में कंफर्म बताया जा रहा है। वहीं जो नाम सूत्रों के आधार पर पता चले हैं वो आपको हैरान कर सकते हैं। तो एनसीबी सूत्रों और मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स की माने तो 15/20 केस की चार्जशीट में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रियला और गैब्रियला का भाई समेत रकुल प्रीत सिंह के नाम भी शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, जिन सबसे पूछताछ की गई थी अगली चार्जशीट में उन सभी के नाम शामिल हो सकते हैं। अब दीपिका पादुकोण की करिश्मा प्रकाश के साथ हुई व्हाट्सएप चैट सबसे बड़ा सबूत है। वहीं सारा अली खान और श्रद्धा कपूर पर आरोप है कि वो सुशांत के पावना वाले फार्म हाउस में ऐसी पार्टी में शामिल हुआ करती थी जहां पर ड्रग का सेवन होता था। खबर तो ये भी है कि सारा अली खान पर एक नहीं बल्कि कई गंभीर आरोप इस चार्जशीट में शामिल हैं, जिसमें केदारनाथ की शूटिंग के दौरान ड्रग का सेवन करने और सुशांत को ड्रग की आदत लगवाने के पीछे भी सारा का नाम सामने आ चुका है। वहीं अर्जुन रामपाल का तो पूरा परिवार पहले से ही एनसीबी के दफ्तर के कई चक्कर काट चुका है। एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के घर पर छापेमारी भी की थी और अर्जुन रामपाल और उनकी गर्लफ्रेंड को पूछताछ के लिए एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार बुलाया गया था। एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के एक दोस्त, ड्राइवर और गर्लफ्रेंड के भाई को भी गिरफ्तार किया था। वहीं अर्जुन रामपाल के घर से एनसीबी ने कई अवैध मादक पदार्थ बरामद किए थे।
वहीं अगले नामों के तौर पर जो सामने आ रहे हैं वो टीवी जगत से हैं। वो है कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाजिया, जिनके घर और ऑफिस पर भी एनसीबी ने रेड मारी थी और अवैध मादक पदार्थ बरामद किए थे। इन दोनों को भी एनसीबी ने गिरफ्तार किया था और सामने आ रहा है कि इनके नाम भी अगली चार्जशीट में होना तय है। यहाँ आपको बता दें कि इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के पहली चार्जशीट में सिर्फ बयान शामिल किए गए थे, मगर इन्हें केस 16/20 में आरोपी नहीं बनाया गया क्योंकि इनका केस सुशांत केस से सीधा ताल्लुक नहीं रखता। वहीं अब खबरों की माने तो अगली चार्जशीट में इन सबको आरोपी बनाया गया है और इन पर ड्रग के सेवन के साथ ही खरीद फरोख्त के भी आरोप है। खबरों की माने तो अगले महीने यानी अप्रैल में एनसीबी इस चार्जशीट को कोर्ट में सबमिट कराएगी। अब जो बॉलीवुड वाले चैन की सांस ले रहे थे, एनसीबी की अगली चार्जशीट में इन सब की सांसें उखड़ना तय माना जा रहा है। तो एनसीबी की इस कार्रवाई पर आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो वकील सतीश मान शिंदे ने इस चार्जशीट पर काफी कुछ कह दिया, ना सिर्फ रिया को लेकर बल्कि बॉलीवुड को लेकर भी मान शिंदे ने काफी कुछ बोल दिया और एनसीबी की चार्जशीट को बेहद बकवास तक करार दे दिया। तो क्या कहा मान शिंदे ने, आप भी सुनिए। मान शिंदे ने बयान जारी करते हुए कहा, 12,000 पन्नों के चार्ज की उम्मीद हमने भी की थी। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को किसी न किसी तरह फंसाने के लिए काफी जोर लगाया है। एनसीबी तो रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़ गई है और रिया चक्रवर्ती के लिए ही एनसीबी ने ये पूरा खेल रचा है। सतीश मान शिंदे ने आगे कहा, 33 आरोपियों के पास से जितना नशीला पदार्थ बरामद किया गया था वो तो मुंबई पुलिस या फिर एयरपोर्ट कस्टम की एजेंसी द्वारा एक रेड में या जाल में पकड़े जाने वाले पदार्थ के सामने कुछ भी नहीं है। मतलब सतीश मान शिंदे का साफ साफ कहना है कि एनसीबी ने बस रिया चक्रवर्ती को फंसाने के लिए ये सब कुछ किया है। आगे सुनिए सतीश मान शिंदे ने क्या कहा। तो मान शिंदे बोले, पूरी की पूरी एनसीबी बॉलीवुड के ड्रग एंगल का खुलासा करने में लगी हुई थी। जितने भी जाने माने चेहरों को पूछताछ के लिए चक्कर लगाए गए उनके खिलाफ मुश्किल से ही कोई सबूत मिले हैं। ऐसे में मैं सोच रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों? या तो जो इल्जाम लगाए गए हैं वो झूठे हैं या फिर भगवान ही जाने कि सच क्या है। मतलब यहाँ पर रिया चक्रवर्ती और उनके वकील को कहीं ना कहीं भगवान की याद आ ही गई। सतीश मान शिंदे ने आगे कहा, चार्जशीट एक नम पलीता है जो सुप्रीम कोर्ट की तूफान सिंह जजमेंट के बाद भी बेवजह के साक्ष्य और एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 67 के तहत रिकॉर्ड की गई स्टेटमेंट की नींव पर खड़ा है। यानी कि यहां पर मान शिंदे ने एनसीबी की चार्जशीट को पूरी तरह बेकार और बकवास करार दिया है। आगे देखिए रिया चक्रवर्ती के वकील ने क्या कहा। तो मान शिंदे बोले, रिया चक्रवर्ती के चार्ज के बिना इस केस का कोई सार नहीं है और इसीलिए एनसीबी ने पुरजोर कोशिश की है कि रिया चक्रवर्ती को पूरी तरह फंसा दिया जाए, लेकिन कोर्ट में मैं साबित करवा के दम लूंगा कि रिया चक्रवर्ती बेगुनाह है। यहाँ पर सतीश मान शिंदे ने आगे कहा, हाई कोर्ट को ड्रग ट्रेड में कमाई करने वाली बात पर कोई सबूत हासिल नहीं हुआ था, हम ही आखिर में इस बात पर हंसेंगे। और यहाँ पर सतीश मान शिंदे ने आखिर में सत्यमेव जयते भी कहा। यानी कि यहाँ पर सतीश मान शिंदे को लगता है कि एनसीबी सिर्फ रिया चक्रवर्ती को फंसाने के लिए ये सब कर रही है। तो मान लीजिए, यकीन कर लीजिए कि आरोपियों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कानून की प्रोसेस भले ही लंबी और धीमी है, मगर कानून की चोट बहुत जोर से लगती है। तो अब सुशांत के गुनहगारों को अपने दिन गिनने शुरू कर देने चाहिए। अब एनसीबी की चार्जशीट पर आए सतीश मान शिंदे के इस बयान पर आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।